नेशनल न्यूजम देखने वाले तमाम नाजरीन को ताहिर विक्की का सलाम। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत मशहूर हस्ती एडुकेट हाई हाईकोर्ट और चेयरमैन मिनोरिटी अलायंस पाकिस्तान के अकवल भट्टी साहब और आज का हमारा मौजू है शबाज भट्टी की योम शहादत और आज इस पे सारी गुफ्तु हम उनसे करेंगे उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे तो आए आज हम उनसे बात करते हैं अकबल भट्टी साहब हम आपको स्टूडियो में खुश कहते हैं जी बहुत शुक्रिया आपका विकी साहब और तमाम अपने जो नेशनल न्यूज़ नामक का है मैं उनकी और उनकी टीम का मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस मौजू पे आज यहाँ पे बातचीत करने के लिए मधु किया अकबल भट्टी साहब आप शबाज भट्टी के बहुत करीब तरीन साथी रहे हैं ठीक है ना आप ज़रा आज हमारे नाजन को ये बताएं के शबाज साहब की सियासी जिंदगी कैसी थी और कैसे उन्होंने में जी यूं तो शबाज भट्टी साहब जो स्टूडेंट लीडर के तौर पे उन्होंने वहाँ से अपनी सियासत का स्कूल लाइफ से ही शुरू किया क्योंकि हम एक गांव से हैं खुशपुर से तो जब वो आ, सेंट थामस हाई स्कूल से तो तभी वो मतलब जो कॉम के पे मजदूर किसान उनके हकूक़ पे वो बात करना शुरू हो गए थे और फिर जब वो फैसलाबाद में कॉलेज में गए तो फिर उन्होंने नाइनटीन ऐटी फाइव में क्रिश्चन लिब्रेशन फ्रंट की बुनियाद रखी और नाइनटीन ऐटी फाइव ये दौर था जब जिया की मुल्क में ज़ियालह साहब जो उनकी हुक्मरानी थी और उन्हीं दिनों में जो हसास मजहबी कवानीन हैं शरीय बिल है जो कुरान पाक में बहुत सारे ऐसे जो इस्लामाइजेसन लाई गई कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसके खिलाफ उन्होंने खुल गुल के बाद बात की जो हमारा जो जुदा गना इलेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया तो वो उन्होंने फिर उस प्लेटफार्म से शुरू किया फिर बाद में वो आगे बढ़ते गए उन्होंने नौजवानों को मुल्क भर में इकट्ठा किया और क्रिश्चियन लिब्रेशन फ्रंट को पूरे मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाया चारों सूबों में करवाया और इस तरह उनका अमली आगाज जो था वो पॉलिटिक्स में हुआ जो है और फिर क्रिश्चन लब्रेशन फ्रंट के प्लेटफॉर्म से साइमन जेकब गिल जो एम बने थे जुदा गना इलेक्शन में उन वो हमारे सी के प्लेटफार्म से बने थे और उनको हमने जद आया भी और पार्लियामेंट में असेंबली में भी पहुंचाया ऑल पाकिस्तान मिनोरिटी अलायंस का कैसे ख्याल आया जी बिल्कुल क्रिश्चियन लिब्रेशन फ्रंट तब वो दौर था जब कश्मीर की जद्दोजहद बड़ी और इस तरह फ्रंट बनते थे तो अमूमी तौर पे सबसे पहले तो हम पे यही क्वेश्चन आता था कि हम शायद मसीहों की आजादी के लिए कोई फ्रंट बना रहे हैं कोई जद्दोजहद कर रहे हैं तो फिर हम तब क्रिश्चियन तो लिब्रेशन फ्रंट पाकिस्तान को एक अलग सुबह ना मांग ले बिल्कुल ये भी हो सकता है और दूसरा ये था कि क्रिश्चियन जो फिर हम क्रिश्चन नाम में क्रिश्चन का था क्रिश्चियन लिब्रेशन फ्रंट तो दूसरी एक भी थी यहाँ पे हिंदू सिख और कैलाशी और दूसरे तमाम उनके लिए गुंजाइश नहीं थी तो जब शबाजी दो को, मलाएं, मलाएं। तो को शबाजी इस्लामाबाद में रखी और शहबाज भट्टी को इसका चेयरमैन बनाया गया और उसमें तमाम अकलीतों के तमाम जो मल्टी मतलब हमारी जो कॉन्ग्रीगेशन उनके

जब आई हैं पीपल्स पार्टी की उनको सौंपी गई क्या तो उन्होंने काफ़ी मुल्क में मोटिवेशन की तो शहबाज़ भट्टी साहब का स्टूडेंट लाइफ से ही जब मोहरमा फैसलाबाद में तशरीफ़ लेके जलसा करने के लिए तो तब ये कायदे मोहतरम पढ़ते थे वहाँ पे कॉलेज में तो तब से इन्होंने आ, मतलब उनको एडमायर करना शुरू किया पीपल्स पार्टी की आइडियालॉजी से और क्रिश्चियन लिब्रेशन फ्रंट के दौर से ही हमारा उनसे राबा था मोहतरमा बेनज़ीर भुटो से और फिर बढ़ते बढ़ते जब उन्होंने अपमा की बुनियाद रखी तमाम माइनर को लेके आए तो फिर मोहतरमा ने उन्हें मुबारकबाद भी पेश की और उन्हें विश भी किया कि आप ये बहुत अच्छा आपने किया कि आपने तमाम जो माइनरटीज हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया तो ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट थी मोहतरमा बे नज़ीर साहिबा के साथ इनका वो कैसे इनके साथ मोस्लिकों वो कैसे खुद बुलाया तो उन्होंने या खुद से ये उन्होंने जी एक जिस तरह वो मोहतरमा को शहबाज मानते थे उनका हमारा था, था। बल्कि जब मोहतरमातदार में आई और जब वो अपोजिशन में भी थी तो हमने बल्कि एक बड़ी अचीवमेंट थी क्रिश्चन लिब्रेशन फ्रंट की कि हमने मोहतरमा को दोरे वोट के लिए मना लिया था और इस्लामाबाद में हमने एक प्रोटेस्ट किया था और वहाँ पर नहींद खान जो पोलिटिकल सेक्टरी थी वो वहाँ पे उन्होंने हमारी रेजोल्यूशन

जी बिल्कुल शहबाज भट्टी साहब को बड़ा थोड़ा अरसा जो है इस मुल्क की ख़िदमत करने का मौका मिला लेकिन उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपनी कौम के लिए कुछ कर सकें पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि शहबाज भट्टी साहब को पार्लियामेंट का उहदा लेने का कोई शौक नहीं था अच्छा। जब दो हजार दो में हमारा पोलिटिकल अलायंस बना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस में जब पहली दफ़ा एम एन ए की नशिस्त उन्होंने एक अपने कारकुन को दी जिनका नाम जो बाद में जिन्होंने वफादारी चेंज की और उन्होंने जमाली को वोट दिया और वो काफ़ लीग में चले गए मुश्ताक विक्टर की मैं बात करता हूँ तो फिर उन्होंने फिर जब वो उन्होंने गदारी की तो फिर शहबाज़ भट्टी साहब को उनकी पार्टी ने मजबूर किया क्या पार्लियामेंट में आए फिर वो पार्लियामेंट में आए और उन्होंने थोड़े ही अरसे में आ, सबसे पहले तो उन्होंने वो पचहत्तर साल हिस्ट्री में पाकिस्तान की पहले ऐसे क्रिश्चियन पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने आइन में अमेंडमेंट करवाई और चार सीटें उस सेनेट में उन्होंने ली फिर उन्होंने 11 अगस्त को का एक जो आइडियालॉजी थी उसको यो में अकली फाइव परसेंट कोटा फाइव परसेंट कोटा बिल्कुल शहबाज शबाजी साहब ने फाइव परसेंट कोटा उन्होंने मंजूर कराया फिर एक और उनका बड़ा कारनामा था जो डॉक्यूमेंटेशन में हमें ईसाई लिखा जाता था इस इसपे उन्होंने रजा से पॉलिसी स्टेटमेंट दिलवाई कि अब डॉक्यूमेंट्स में जो है वो लिखा और पुकारा जाएगा ईसाई नहीं।, नहीं लिखा जाएगा फिर जेलों में उन्होंने गिरजाघर बहुत सारे बनवाए उन्होंने फिर बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री के फंड्स खोल दिए स्टूडेंट्स को बेदरेग उन्होंने जो स्कॉलरशिप दिए उन उनके लिए और इस तरह के बहुत सारे कारण है बड़ी डिवेलपमेंट कराई इवन अपने गाँव में उन्होंने सुई गैस का प्रोजेक्ट जो पूरी तहसील में नहीं था वो भी मंजूर कराया इस तरह के ऐसे बेबहहा काम हैं जो शबाद भट्टी साहब ने बहुत थोड़े अरसे में किए। अच्छा अकबर भट्टी साहब उनकी शहादत के बाद आल पाकिस्तान मोनोरिटी अलायंस में इतनी रुकावट और वो जो सरगर्मी नजर नहीं आती इसकी क्या वजह जी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं फरमा रहे हैं देखें शहबाज भट्टी साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत थी और उनका अचानक से उनको शहीद किया जाना यह बहुत बड़ा एक सदमा था तो इस सदमे से सबसे पहले जो है हमारी जो तहरीक थी उनकी जमात वो मुतासर हुई हमने उनकी जो फैमिली थी उनके बड़े भाई उनको उन्होंने हमने बनाया पार्टी का हेड और पार्टी को कटर पॉल डॉक्टर पॉल भट्टी तो जी उनको बनाया चेयरमैन लेकिन वो पार्टी को मुत ना रख सके और फिर पार्टी में

क्या यह मिनोरिटी नहीं अभी हमने इसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया अच्छा, लेकिन आ, आ, इस साल हम प्लान कर रहे हैं कि इसको हम फौरी तौर पर रजिस्टर्ड जी। अच्छा बट साहब ये बताएं कि इसमें आपके मिनोरिटी अलायंस में आउट ऑफ कंट्री से भी लोगों की काफी शेयरिंग थी काफी बन, नदीम भट्टी साहब का इसमें क्या करदार था

इस ये पार्टी जा, बिल्कुल नदीम साथ 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 असल में छोड़ गए थे शबाज साहब के दौर में जब तो हमारा ग्रुप लैदा हुआ जब मुश्ताक विक्टर ने वफादारी तब्दील की तो ये हमारे भाई भी उस ग्रुप का हिस्सा थे और उससे पहले भी जी और फिर ये हमारे भाई मुल्क से बाहर भी चले गए और फिर वहाँ पे फिर जब हमने पार्टी को फंडिंग वगैरह नहीं करते रहे वो नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है कभी भी नहीं कोई ऐसा हम पे इल्ज़ाम है कि शायद हम उनके ये हमारी जो पार्टी में इस जरूरी समझता हूं। बिल्कुल वो है और रहेगी उसको तो सियासत इससे तो बालाता है लेकिन ये मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ कि हमें हमारे जो कारकुन है अपने जो पाकिस्तान में दिन रात मेहनत करते हैं हम अपने चंदे से अपनी डोनेशन से खुद अपनी मदद आपके तहत और ये कोई ना आज तक मैं हलफन कहने के लिए तैयार हूँ कि हमें इंटरनेशनली कोई ना फॉरनर और जो, कोई भी पाकिस्तानी कोई फंडिंग नहीं कर रहा ये हम अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं जिम्मेदारी है कि आप चेयरमैन है पाकिस्तान मिनोरिटी अलायंस के तो इनके अब शुभाष भट्टी साहब के मिशन को आप कैसे आगे चला रहे हैं देखिए ये हमारे लिए बड़ा एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिस तरह मैंने कहा कि हमने सात साल वेट किया कि शायद जो एपमा की लीडरशिप थी वो शबाजी तो साथी बने और हम जो तमाम पिछली सफों में काम करने वाले लोग थे जो शबाज बी के दाए बाएं खड़े होके जलसे करते थे मारे खाते थे जुलूस निकालते थे राइट की तमाम वो लोग थे फिर हमने अपना सफर शुरू किया और देखिए उसके बाद नाइन ग्यारह अगस्त का जो कॉन्सेप्ट था उसको मैप ने आगे प्रमोट किया ग्यारह अगस्त उन्नीस को पहली रैली शबाज भट्टी साहब ने इस्लामाबाद में निकाली थी उसके बाद हमने लगातार तीन साल हमने रेली और गुजश्ता आपने देखा होगा ग्यारह अगस्त को दो तेईस को हम पे इस्लामाबाद में लाठी चार्ज भी हुआ और हमें वहां पुलिस ने हमारे साथ मजामत की हमारे लोगों को पकड़ा गया वजह यह थी कि हम उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं वो अपने कौम के हकूक के लिए बात आज भी हम कहते हैं कि हमें कहदेज का पाकिस्तान चाहिए जिसमें कोई शख्स रंग नजल मजहब के और कीदे की बुनियाद पर नहीं पहचाना जाएगा नहीं। क्या पाकिस्तान में आज भी हम देखें पाकिस्तान एक थ्यूक्रेटिक स्टेट नहीं था पाकिस्तान एक लिबरल स्टेट था लेकिन आज भी आइन में एक मसीही या अकलीती फर्द मुल्क का सदर नहीं बन सकता नहीं एक अकलीती फर्द मुल्क वजम नहीं बन सकता मैं बतौर वकील वफाकी शरी अदालत में पेश नहीं हो सकता नहीं। तो ये कैसी इक्वलिटी है रियासत का कोई मजहब नहीं होता तो इस कॉन्सेप्ट को हमने शबाज भट्टी साहब को हमने हू बहू आगे बढ़ाया और हम हम चाहते हैं कि आज भी इसको पाकिस्तान को कैद आजम का पाकिस्तान चाहिए जहाँ पे जमहूरीत मजबूत हो जहाँ पे तमाम लोगों को चाहे वो अपने मंदिर में जाए चाहे वो अपनी मस्जिद में जाए चाहे वो चर्च में जाए उसको आजादी हो और रियासत का इससे कोई तलक नहीं होगा उस वो हम फिर जो शहबाज शहादती उनके खिलाफ बात करते हुए उनके जी जी मिस पे की थी। जी जी और मैनोरिटी पाकिस्तान सबसे ज्यादा बढ़ा रही है आपने हमारा जड़ा माला में करदार देखा जी जी और बाकी माला भी जो काफी आपने बड़ी मेहनत की बड़ा काम किया तो जी बिल्कुल उसमें आपके इम्प्लीमेंटेशन उस पे, पे हम बात करते हैं जो शबाज भट्टी साहब की जिन अदारों में नहीं जिस तरह एस एन जी पी एल वहाँ पे फाइव परसेंट जॉब कोटे पे अमल दराम अभी तक नहीं हुआ टू थाउजेंड नाइन में नोटिफिकेशन हुआ था उसके खिलाफ मैंने हाईकोर्ट में रिट दायर कर रखी है और इस तरह हमने जो एजुकेशनल कोटा है उसकी

देखिए अभी नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तो अभी नेशनल असेंबली का इजलास तलब नहीं हुआ जो ही इजलास तलब होता है तो चूंकि ये आर्टिकल 51 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी इलेक्शन के हवाले से और बाकी भी जो हैं जिस तरह सदर के हवाले से मैंने कहा आर्टिकल 40 में जिस तरह वज़र अजम के बारे में मैंने कहा आर्टिकल 91 में तो ये अमेंडमेंट के लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो पार्टीज़ हैं जिनको हमने वोट दिया इस इलेक्शन में और उनसे हमने वादा लिया कि आप हमारे लिए आईनी अमेंडमेंट लेके आएंगे अब हम उनके पास जाएंगे उनको कहेंगे कि आप जो तरमीमी बिल है वो असेंबली में पेश करें और फिर हम दूसरी पार्टीज़ के पास भी जाएंगे कि हमारे राइट्स की बात है आप इसमें हमारा साथ दें हम उनके सरबराहान के पास जाके हेल्प तलब करेंगे कि आप आइन में तरमीम करके हमें बराबर यकसा शहरी होने का जो आर्टिकल ट्वेंटी फाइव में कहा गया है उसका हमें हक़ दें अच्छा आप समझते हैं कि जो वकी में बैठे हैं जो मिनोरिटी के जो अपना एम एन ए बैठे हैं इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली हम उनसे गुजारिश करेंगे देखें अगर वो हमारी हेल्प करेंगे हम उनको सपोर्ट देंगे हम उनके उन अप्रिशिएट करेंगे हम उनके पास जाएंगे क्योंकि सबसे पहले हमारा वो हमारी रिप्रेजेंटेशन उनका फर्ज नहीं बनता डेफिनेटली उनका फर्ज बनता है लेकिन अगर वो फिर हमें भी उनको फोर्स करना चाहिए क्योंकि पब्लिक जो है असल ताकत तो की ताकत होती है तो अगर कोई नहीं करता जिस तरह हमने गुजस्ता टनौर में देखा कि कोई लेजिस्लेशन नहीं हो सकती तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनकी विल में कमी होगी तो अब हम जाके लोगों को अपने लोगों को भी अप्रोच करेंगे और अगर कोई नहीं करेगा तो फिर हम उसको मतलब कहेंगे कि ये आप बिल्कुल कौम के साथ ज्यादा आपने जड़ा वालों पर भी बहुत काम किया बड़ी मेहनत की बड़े मेनती, लोगों को छुड़वाया भी अब उसकी करंट पोजिशन क्या है मैं समझता हूँ कि जड़ावाले केसेस को काफ़ी पुलिस ने खराब किया है उसकी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा कमी है बहुत सारे लोग जो थे उनको उन्होंने पहले ही छोड़ दिया मजहबी जमातों के प्रेशर्स पे वहाँ के जो जड़ावाले के सियासी जो लोग हैं वहाँ पे उनके प्रेशर पे वहाँ पे उनको सैकड़ों लोगों को बल्कि हजारों लोगों को क्योंकि जियो के मुताबिक सोलह अगस्त को वहाँ पे दस बंदा मौजूद था सोलह अगस्त को सोलह दस हज़ार बंदा जड़ावाले में मौजूद है और इन्होंने उसमें से सिर्फ तीन सौ चार लोगों को पकड़ा दस में से तीन सौ लोग और उसमें भी आप हैरान होंगे कि दो सौ साठ के करीब लोगों को छोड़ दिया गया बाद में और फिर कई लोगों की ज़मानत वैसे छोड़ दिया या उनके जमानते डेफिनेटली कुछ लोगों को आइडेंटिफिकेशन परेड में छोड़ दिया हाँ। कुछ लोगों को रिकवरी नहीं डाली उनका कोई किरदार नहीं डाला जो एक क्रिमिनल जस्टिस के लिए जरूरी होता है कि कोई अगर वकूवा करता है तो उसको कोई किरदार नजर आना चाहिए तो उसकी वजह से उनकी बेल्स होती थी बेंच बेंच भी बनना था तो अभी तक की कोई शक्ल जी वो वो जुडिशल जो कमीशन का मतालबा किया था वो भी बिल्कुल नहीं वो पंजाब गवर्नमेंट ने भी रिजेक्ट कर दिया और कोई जुडिशियल कमीशन नहीं अब देखिए हाल ही अगर सुप्रीम कोर्ट में उसकी एक हियरिंग हुई है और मैं फिर आज रिपीट करता हूँ कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड जो इंसाफ़ में तखीर होती है वो इंसाफ का कत्ल हो जाता है तो 16 अगस्त के बाद छः माह हो गए हैं अभी तक हमारा वो कछुए की चाल रिंग रिंग के अभी तक एक चलान नहीं पेश हो सका तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के अगर जाएंगे तो मुझे तो शदीत हैं कुछ लोग है, वो बस कर रहे हैं यहाँ पे आए मीटिंग कर लियो खबर आ, आ जाती है जी जड़ा वाला के लोगों के लिए खुशखबरी अब हम तलाश करते रहते हैं वो खुशखबरी हमें कहीं नजर आए क्या किसी को सजा हो गई है या किसी को मतलब क्या कोई जुडिशल कमीशन का मुतालबा हो गया या हमें क्या जी वो दोबारा तफतीश का आर्डर हो चुके हैं बिल्कुल ऐसा ही है बस वो आप क्या समझते हैं कि शहबाज भट्टी जैसा लीडर अब हमें कैसे मिल सकता है ये जो हमारे ऐवानों में बैठे हुए हैं इनकी वर्किंग में और उनकी वर्किंग में क्या फर्क है जी सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग थी कि शहबाज भट्टी जैसे लोग हमारे दरम्यान थे और उनकी फॉर्मेशन थी उन्होंने बड़ी बचपन से ये काम शुरू किया था वो पैराशूट के जरिए पार्लियामेंट में नहीं आए थे नहीं। उन्होंने एक जमात बनाई ग्रास रूट लेवल पर स्ट्रगल किया लोगों को मोबिलाइज किया और लीडर्स जो हैं वो कौमें पैदा करती हैं मैं समझता हूँ कि अगर ये लोग जो मौजूदा पार्लियामेंटेरियन सिर्फ अपनी पार्टी पॉलिसीज़ का तहफ़ करते रहेंगे उनकी आइडियालॉजी को प्रमोट करते, करते हैं, तो फिर ये उनको रिप्लेस नहीं कर सकते फिर कॉम इनसे हमेशा की तरह मायूसी रहेगी लेकिन हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए खुदा अगर हमें मौका देता है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉम के लिए काम कर रहे हैं अगर वो कॉम को जगा देते हैं कुछ डिलीवर करके दिखाएंगे तो यकीनी तौर पे पर शबाजबी जैसे तो नहीं हो सके लेकिन उनके कमी को जरूर हम पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं आप क्या इनके साथ मीटिंग्स करेंगे इस हवाले से जो आपने बताया

तो मैं ये समझता हूँ कि हम जरूर जाएंगे क्योंकि मौजूदा इलेक्शन जो मखलूत इलेक्शन है उसके हवाले से तो ये भी हमारी नुमाइंदगी करते हैं ना तो ये हमसे वोट ले लेते ले हैं है। बिल्कुल मखलूत हुकूमत है, है तो हम इनसे कहेंगे कि अगर टू थर्ड मेजोरिटी ये करके कुछ हमारे लिए भला कर सके तो ये हमारा आइडियल दौर हो सकता है हमारे को आप क्या मैसेज देना चाहिए? जी सबसे पहले तो मैं वंस अगेन आपके तवसत से नेशनल न्यूज नामा और आपके तवसत से आपकी टीम के तवसत से मैं अपनी कॉम से कहना चाहता हूँ कि हमें जिस तरह गुजशत हमने इलेक्शन में देखा कि आप अभी हुकूमत साजी का अमल जारी है और हमें कोई पूछ नहीं रहा जिनकी दो दो तीन तीन नशस्तें हैं उनके पीछे वो बाग़म बाग हुकूमत साजी के लिए लोग जा रहे हैं लेकिन हम बस खामोशी से हमारा कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा तो मैं सबसे पहले अपनी कौम से कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी पोलिटिकल आइडेंटिटी की तरफ आना है हमने जो अकलीतों की खोई हुई साख उसको भरपूर तरीके से मनवाना है हम एक अपनी सियासी पहचान बनाएंगे क्योंकि हमारी जो हम हमारे जो इशू हैं वो कानून साजी से एड्रेस होने हैं हमारे मसाइल जो हैं उनका हल पार्लियामेंट है तो हमें पार्लियामेंट में मजबूत होके खड़े होना है जो हमारे नुमाइंदे हैं हम उनके पीछे खड़े होने के लिए तैयार हैं उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं ताकि वो हमारे हकूक़ की बात कर सकें और मैं यूथ से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मेहरबानी करके जो अपनी कौम के लिए सोचें अपनी कौम के लिए आगे बढ़े हमारी कौम जो है वो जहालत और गुर्बत और बेरोजगारी की दलदल में धसी हुई है हमने कुछ ऐसे इकदाम करने हैं इकट्ठे होके कि हमने अपनी कौम को गुरबत और जहालत से निकालना है और पाकिस्तान में रहते हुए हमने अपने बराबर और यकस हकूक हासिल करने हैं जिसका कैद आज ने हमारे साथ वादा किया तो मैं पूरा उम्मीद हूँ कि लोग मैनोरिटी पाकिस्तान का साथ देंगे हमारे साथ खड़े होंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि हम आपको कभी मायूस नहीं करेंगे उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा और अकमल भट्टी साहब ने जितनी भी शहबाज भट्टी साहब के बारे में गुफ्तु की और ऐसा लीडर अब ढूंढना और मिलना हमारे लिए एक मुआजा के बराबर है क्योंकि अवानों में जाके हमारे लीडर बैठ तो जाते हैं लेकिन काम करना अपनी कौम के लिए भूल जाते हैं शहबाज भट्टी साहब दो मार्च को इस्लामाबाद में शहीद हुए और उनकी दो मार्च को ही तेरहवीं बरसी है इसके साथ ही मुझे और कैमरामैन तारक प्यारा को इजाजत दीजिए